कमल राजपाल अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को धनतेरस पर्व एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धनवंतरि और भगवान श्री गणेश महालक्ष्मी आप पर सदैव दयालु रहें, कृपालु रहें, आपके घर सदैव मंगल हो, आनंद हो, यही आशा करता हूं। और आज जो है मैं धनतेरस पर्व पे क्या करना चाहिए वो बताऊंगा, जो मैंने अपने बड़ों से सुना है वो मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया है। तो बात करेंगे कि धनवंतरि जी कौन है। भगवान धनवंतरि भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और उनका अवतार कहे जाते हैं। और भगवान धनवंतरि जो हैं कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए थे, उसी दिन को धनतेरस कहा जाता है और धनतेरस पर्व उसी दिन मनाया जाता है। और भगवान धनवंतरि जी समुद्र से प्रकट हुए हैं, जब देवता और दानों में समुद्र मंथन किया जा रहा था उस समय भगवान धनवंतरि जी अमृत कलश लेके समुद्र से प्रकट हुए थे। और ये आयुर्वेद के भगवान धनवंतरि ने आयुर्वेद की रचना करी है और ये देवताओं के वैद्य हैं। तो बात करेंगे धनतेरस पे क्या लेना चाहिए। तो धनतेरस पे हमें जो है पीतल की धातु लेनी चाहिए, पीतल की धातु यानी कि पीतल से बने बर्तन लेने चाहिए, क्योंकि भगवान धनवंतरि जी को पीतल का जो धातु है वो बहुत ही प्रिय है, इसलिए हमें पीतल के बर्तन लेने चाहिए और चांदी के बर्तन लेने चाहिए या फिर चांदी का आप सिक्का ले सकते हैं। और सफ़ेद वस्तुएं आपको लेनी चाहिए, जैसे कि जो कौड़ी होती है वो कौड़ी लेनी चाहिए और गोमती चक्र लेना चाहिए और आप दक्षिणमुखी शंख ले सकते हैं या अन्य कोई भी आपको शंख मिलता है। यदि आप शंख रखना चाहते हैं अपने घर तो ये दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है, आप शंख ले सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र ले सकते हैं, कुर्ता है, बनियाइन है, सफ़ेद वस्त्र या फिर तकिया का खोल है, आप कुछ भी सफ़ेद वस्त्र ले सकते हैं। और सफ़ेद रंग का कपूर होता है तो आप पूजा के लिए कपूर भी लेके थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, रुई बत्ती ले सकते हैं, जो रुई की बत्तियाँ होती हैं वो आप खरीद सकते हैं। और पानी भरने के बर्तन ले सकते हैं, क्योंकि भगवान धनवंतरि समुद्र से प्रकट हुए हैं, समुद्र में पानी होता है तो आप पानी रखने का कोई पात्र ले सकते हैं। और जो है आप मोतियों की माला ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी मोतियों की माला भगवान को पहनाने के लिए, खुद के लिए मोतियों की माला ले सकते हैं। और इस दिन आपको धनिया के जो है बीज लेने चाहिए, क्योंकि धनिया के बीज इसलिए लेने चाहिए कि माना जाता है कि भगवान धनवंतरि जी जो है मतलब कि वैद्य हैं देवताओं के, और धनिया जो है एक तरीके की औषधि भी है, तो आप धनिया ले सकते हैं और अपने घर में कहीं भी गमले में या क्यारी बना के दीपावली के बाद बो सकते हैं या फिर धनतेरस के दिन ही आप लेके बो सकते हैं। तो जितनी अच्छी धनिया उगेगी आपके घर में उतना ही सुख समृद्धि सुख शांति बनी रहेगी। और जो है धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरि जी का पूजन करिए। और यदि आपके घर में कोई बीमार रहता है, बहुत रोग ग्रसित है बहुत दिनों से, तो आप दवाई यदि खाते हैं या वो दवाई लेता है तो इस दिन आप थोड़ी सी दवाई भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो रोगी है अगर यदि वो खाता है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। वैसे आप आयोडेक्स ले सकते हैं या फिर नहीं, अगर नहीं कोई बीमार है तो आप आयोडेक्स ले सकते हैं, बिक्स लगाने वाले ले सकते हैं और सर्दी जुकाम बुखार के टैबलेट ले सकते हैं उस दिन, क्योंकि भगवान धनवंतरि जी जो हैं वो देवताओं के वैद्य हैं और हम लोग का जो शरीर है कभी ना कभी अस्वस्थ हो ही जाता है, बीमार ही हो जाता है। तो आप इस दिन अपने लिए कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें ले लें और